हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, धुंध भी पड़ी हुई है। एक तो मैं मोटे कपड़े पहन के, पहले तो सांस नहीं आता, लेकिन पहनने पड़े हैं क्योंकि ठंड है। तो बच के चले सारे, तो ठीक है, मतलब कवर होके चले। और मैं भी जा रही हूँ, पिछले व्लॉग में देखा होगा मेरा स्कूल का कुछ काम था, तो वो स्कूल में जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। पहले फ्रेंड के घर जाऊँगी, फिर मैं स्कूल में जाऊँगी, काम हो गया ठीक है, वरना मैं लास्ट टाइम जा रही है। मम्मी लास्ट टाइम जा रही हूँ। ये रही एक्टिवा और ये रही हमारी गली, और अब चलते हैं बस। धूप मतलब मौसम भी ठीक ठाक सही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, धूप नहीं है, ठंड हो रही। लेकिन मैं पहुंच गई फ्रेंड के घर, बर्तन साफ करी। नमस्ते आंटी जी, ठीक हो? चला जा, उठ जा। अरे हाँ, इधर लो जी। अच्छा चल ले, फटाफट यहाँ मेकअप मुकअप सी लग गई, देखो करण। हाँ, मेकअप नहीं, और चल एक्टिव चला। क्या करी? कुछ नहीं करी। रख ले भी बैग, रख ले। तेरे पेटी की भी नहीं खोलनी आती। जोर से लगा ले गुरमीत, अच्छी तेरी को मार। देख खुली ना पड़ी हो, यो इसे ऊपर दे, देख लुल चांदा था जमीन। कैसा फॉर्म है? अच्छा, परिवार पहचान पत्र है? है परिवार पहचान पत्र है? और है इनकम का? अरे उसमें तो ठीक कराना, इसे बंद तो कर दे। तो गाइस पहुंच लिया हम स्कूल में। देख मेरी आवाज इतनी बेकार से, मेरी आवाज की नकल डरा यार। बस खुद ही बूंदी है, वाह तेरी तेरी आवाज ही बूंदी है, बस रहती है तो भी। तो बस इतना करेगा क्या? देखना गाइस क्या कह रही है मेरे पे, बोलिए ना। कुछ नहीं बोल देना प्लीज। तेरे मातम की लकड़ी मंगाई, ये वाली थोड़ी है मेरे मातम के लिए, थोड़ी है। बड़ी चंदरी आ जाता यार। देखो गाइस हमारे स्कूल, हमारे टाइम मिलती है टैला टुल्ला सी भी बनी है, तो टैला बताया, टैला की क्या जरूरत थी? गवर्नमेंट स्कूल ऐसा ऐसा होना चाहिए, बस ऐसा, तभी पता लगा भी वो गवर्नमेंट स्कूल। ये था हमारे इंचार्ज का रूम। अरे इधर से आएंगे हमारी क्लास से, मैं आपको क्लास दिखाऊंगी अपनी। हाँ दिखा दिया, तो बाथरूम ही था, बाथरूम को क्या दिखाना जल्दी। पहले मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है ना हमारे में। देखो गाइस हमारी यहाँ क्लासें लगती थी इस जगह, यहाँ बैठे थे हम। और फिर जब छुट्टी होती ना, फिर हम 5-10 मिनट यहाँ बैठ के जाते थे इस पेड़ के नीचे, हरा भरा था, मैडम खड़ी। हाँ ये वाली थी क्लास हमारी। औरों का पता नहीं, प्लस वन क्लास हमारी उधर की साइड थी, उधर वाली साइड दिखाऊंगी। कबाड़ा देखो किस साहब, पहले भी नहीं था कबाड़ा यहाँ। कौन सर? यो ये होती हमारी प्लस वन क्लास। यहाँ लग रहे थे कैमरे जो कि बच्चों ने तोड़े थे, यानी आए रखो भाई बैठा अपना। देखिए जी किस साहब का स्कूल है। पत्ते ही पत्ते, हमारे टाइम में थे इतने, ये भी ज्यादा सको बड़ा फैल गया, क्योंकि मेरा रोब था भाई, मेरा रोब था। एक सर है गाइस, मैं उनसे मिलवाऊंगी आपको। ना तो सारे हैं ना, जो स्कूल के बच्चे नहीं, जो वो लोग देखे हैं सर के बारे में, दो लाइन जरूर बोलियो। नमस्ते सर जी, ठीक हो जी? इसको नाम क्या है? गाइस मतलब जो बच्चे हैं ना क्लास के बच्चे, सर के बारे में दो लाइना जरूर बोलिए कमेंट में, कुछ अच्छी सी लाइनें, क्योंकि हमारे सर बहुत ही शानदार सर थे हैं, कुछ ही मतलब कुछ नहीं कह सकते हम इनके बारे में। और सर में बैठे वहाँ से, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, यू हैव डन वेरी ग्रेट जॉब हियर। थैंक यू। ये सर हमारे बिल्कुल खास है जी। देखो ठीक है, कहूँ हिस्ट्री के टीचर। नमस्ते सर जी, ठीक हो जी? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर जी। आप भी ठीक है? मित्र मित्र, अच्छा ठीक है जी। व्लॉगिंग करूँ सर जी मैं?
कर ही लीजिए। देखो गाइस हमारी वैसे ही क्लास से लगती थी जिस तरह इनकी लग रही ना, ऐसी लगती थी हमारी क्लास से भी, हम भी धूम में बैठे थे। तो गाइस जिस काम के लिए आई थी वो स्कूल वाले काम करके हम दे रहे हैं, मतलब कि मैं आपको घर घर पे बताऊंगी जाके। टायर पौने तीन कितना हो? हां जी टायर पौने तीन कितना हो? ढाई तीन। हां तीन। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पांच साढ़े पांच पौने पांच होते हैं। क्या क्या कितना होता है ढाई पौने तीन? मैंने तेरे को क्या कहा? मैं बोला कि लो जी क्या सवाल कर दिया जो सब्जी वाला बता देगा। सवा छह। सवा कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है? सवा छह कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है? प्लस टू। यू अनपढ़ है? मैंने पढ़ा पांचवा और मिनट में पढ़ा हुआ है। हमारे ऐसे पढ़ती थी घर आके मैंने बताया था। अब टाइम तक तो ना हो पौने पांच भाई, मैं तो ब्रेक का टाइट कराना आई थी अंकल, तो यहाँ जो कथा चालू होगी। तो गाइस हम आए पेस्ट्री खाने के लिए, बताइए कौन सी खाएगी, कौन सी अच्छी लगेगी? ये वाली करवाए क्या? इतनी बड़ी खाई जाएगी? हाँ यहाँ गले तक रह जाएगी तेरे तो मुँह। हाँ मतलब यहाँ मुँह तक आ जाएगा करते करते। बता फिर कौन सी करवा, वही करवाएंगे। ये वाली करा ली देखो, ये रखी ना ये वाली। और कुछ ना? अभी मोटे हो जाएंगे हम खा खा के। देखो ना बस उसकी तरफ और किसी चीज़ की तरफ ना देखो। क्यों भाई ये स्पून इसमें से खा लेंगे भैया? हमें अभी तक अकेले खाएगी खाने के लिए। हाँ एक से खा लेगी ना। मम्मी के लिए ये रोल पैक करा लिया मैंने घर, ये मम्मी को अच्छा लगता है ये करवा लिया रोल पैक मम्मी के लिए। तो गाइस ये मंगवाए स्प्रिंग रोल, ये रहा शेक। हम स्कूल में भी इस पे आवे थे सैनी बर्गर पर, ये भी इस पे आ रहे हैं नहीं छोड़ने के नहीं से। चल ले भाई देखो जी किस तरह खा रही है। सारी चट्टे आज प्लेट लगे है। देखो जी वो भी नहीं छोड़ रही है, तो जमीन ने भी चाट देने और ईब के छोड़ा चम्मच खा लेना। चल खा जल्दी खा लेना, शर्मा क्यों रही? देखो जी फोटो फोटो ले रही है। ले 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 पार्क में आई है फोटो ले। मेरे ना हाथ कहाँ पर है बस बीजा ज्यादा चल रहा, जल्दी ले ले फोटो। फिल्टर लगा ले ढंग से का यार, कहाँ ले आ रहे मेरे को। क्या दिखाइए कैसी है? देख हाँ देख कितनी गोरी बना दी है। चल मैं बिस्कुट चढ़ जाऊँ मजे ले रही एंजॉय कर रही। अच्छा हाँ तुम मजा ले कोई बात नहीं। देखो किस तरह से ली राम राम से कर। हमारी चुप्पी देखो। आओ भाई तुम भी आओ। अरे मैं इधर देखो चुप्पी किस तरह ये आज देखो चुप्पी। पिछले ब्लॉग में भी वैसे देखा ही होगा आपने। हाँ बैठ जा बैठ जा, जिस तरह मैंने करा था शुरू कर ना। अपने आप हिल रहा है। आकर पीछे उठ 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 सिद्धि का टंगा टंगा सिद्धि का।
तंग सीधी करना इस फ्रिज के। हाँ कर, हाँ यूं कर 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 भी यार कर सीधी खोल टंगा टंगा पूरी ऊपर ले जा ले जा ऊपर बैठ मैं उस पे बैठ किस तरह घुमा दे जिसे कोई नहीं देखो जी ये सारे आ गए हैं। ट्यूशन पे जाना था इन्हें, पर एक वाल लग रही, एक और सहेली ने बुलाने लग रही। अरे जी कर रही है चुप्पी, चल जल्दी स्टार मारने वास्ते किसने कहा तुझे है? जाओ फटाफट ट्यूशन भागो, मन तो जाना जी, मैंने तो जाना नहीं जी। है क्या करी? मेंशन कर दी। क्या ब्लॉग? अच्छा ठीक है, स्टोरी भी मेंशन कर दी। ओके हाँ ओके, चकड़ाने की क्या जरूरत है फिर तने? है क्या? ए बब्बू चल, अच्छा चल गुरमीत चल निकल ले, ट्यूशन के टाइम देख ले, साढ़े पाँच साढ़े पाँच सही कह रहा है। बाय, कल को मिलेंगे ठीक है। और कुछ? लो जी मैं अपनी ट्यूशन दिखाऊंगी अपनी, मगर जी मैं भी पढ़ा नहीं ट्यूशन। ए बब्बू तो गाइस मैं ट्यूशन पे आई थी, हमारे सर ट्यूशन वाले, यहाँ पे मैं पढ़ती थी। ये रहे बच्चे, वो बैठी तो गाइस कल को वो है ना न्यू ईयर है, तो उसके लिए ना विशाल के लिए ये वो करेंगे, डेकोरेट करने लग रहे हैं। कल को हमें फिर दिखाऊंगे, बहुत सुंदर से जाते हैं। अभी आए थे हम, कह रहे थे बस अब होगी आरती। अभी गाजर का हलवा, गाजर पाक एरिया माँ। हाँ यार देखियो, हाँ देखो तो अजंता देखना चाहे आपको, देखो भी ओ लो जी आ गया खाना। ये है राजमे की सब्जी, अरे ये भी बनाया था मम्मी ने, गाजर का हलवा बड़ी बहुत ही अच्छी महक आ रही मम्मी इस टाइम। वो मैं नींद में, लेकिन फिर भी मैं खाना लग रही खान, नींद आ रही जोरों से, क्योंकि सारे दिन हो गए घूम रही, मतलब मस्ती 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 और कुछ नहीं, उसी बारी नींद, खा पी के दूध पी के आराम से हम तो पढ़ेंगे, है ना भाई। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया और दूध भी पी चुकी हूँ ठीक है, और बस अब आया बहुत जोर से नींद। आंखें देखो लाल पड़ रही मेरी बिल्कुल। ठीक है, और काफ़ी मज़ा आया आज दोस्तों के साथ, काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे, इकट्ठे हुए थे पार्क में, ऐसे झूले वगैरह झूले, मतलब ऐसे ही मस्ती करी थोड़ी बहुत ही। उन्होंने उधर से उधर ट्यूशन भी जाना होगा, तो ट्यूशन भी गई थी आज, मैं स्कूल भी गई थी, और हमने मस्ती भी करी, सारे फ्रेंड्स मिले हम। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। और हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने बताया था ना कि स्कूल में मैं किस लिए गई थी, स्कूल में मैं इसलिए गई थी सर्टिफिकेट लेने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी ना, तो इसलिए ना मेरे को ना सर्टिफिकेट नहीं मिले थे तो गेम्स के, तो फिर मैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकेंड आई थी, तो स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुई हुई थी मेरी, तो मैडम ने कहा कि जैसे स्टेट लेवल में अगर कोई खेल होता है ना तब उसको मिलते हैं, लेकिन मेरा नाम तो गया हुआ है ना वहाँ पे, तो मेरे को तो मिलना चाहिए था, कि वो इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड के कारण वो हमको लेके नहीं गए खेलने के लिए, मतलब वहाँ पर, तो फिर इसलिए बस वो कह रहे अगर स्टेट लेवल में गई होती तब मिलता, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, और बच्चों को तो मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिला, तो ऐसे घपला मतलब वो कर देते हैं। तो छोटो मैं तो मैं मम्मी को सुबह ही बोल दिया था कि मम्मी अगर जो आज ना हुआ मेरा काम तो मैं फिर नहीं जाऊँगी इस सर्टिफिकेट के लिए, छोड़ो परे कोई बात नहीं। लेकिन होता है ना कि गेम्स का सर्टिफिकेट होता है, जो बंदा गेम्स में था तो चलो कोई बात नहीं।
और पूरे दिन हो गया मैं थक ली, जमी जमी तो लाल पड़ गई, देखोगे आप भी। अरे तो इसी ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।